नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां सावन के सोमवार को कर्णप्रयाग में भारी मात्रा में कांवड़िए गंगा जल लेकर पहुंचे। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर पूजा अर्चना और हवन किया। इस दौरान कर्णप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संगम पर कांवड़ियों को फल और पेयजल बांटे। सावन मास के सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं दूंगा और हमारे मृत्युंजय महादेव कांवड़ समिति जो बनी है इस कांवड़ के लिए लगातार चौथी वर्ष कर रही है। और अब की बार हमारे जो कांवड़ समिति में जो मृत्युंजय महादेव से तो आए ही कांवड़, और उसके साथ साथ गोबेश्वर महादेव से, मिंगेश्वर महादेव से, कमलेश्वर महादेव से, मालेश्वर महादेव से, कुंडेश्वर महादेव से भी लोग आए हैं। वो लोग यहाँ से संकल्प लेके जल यात्रा पैदल नारायणबगड़ तक करेंगे। नारायणबगड़ को कल आज रात्रि विश्राम होगा। अगली खबर सितारगंज से है, जहां मुहर्रम को बीतने के बाद 9 तारीख को हुसैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से आए उलेमाओं ने कॉन्फ्रेंस के शिरकत की। वही उलेमाओं ने करबला शरीफ से जुड़े तमाम वाक्यों पर रोशनी डालते हुए लोगों को सच की राह पर चलने की हिदायत दी। मन में था और किस विषय पे जो है आपने जो है प्रकाश डाला था? आज जो जलसा था नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाई गई थी। उन्हीं का जिक्र किया गया है जो सन 60 हिजरी में 10 मुहर्रम हराम को मार गए करबला में। इमाम हुसैन को शहीद किया गया। उन्हीं की शहादत के वाक़ियात पर रोशनी डाली गई और सीरत इमाम हुसैन को बताया गया। वही अगली खबर थराली से है, जहां विकास खंड नंदा नगर घाट के राजकीय इंटर कॉलेज चौन घाट में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विकास खंड नंदा नगर के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वही प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके आंदोलन की कोई सूद नहीं ली जा रही। वही चेतावनी देते हुए लोगों ने कहा कि उनकी एकमात्र शिक्षकों की मांग अगर कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी नहीं मानते हैं तो अगस्त को गांव के लोग गोपेश्वर जिला मुख्यालय में जाकर आंदोलन करेंगे। वही अगली खबर काशीपुर से है, जहां रामनगर रोड स्थित अन्याय होटल के सभागार में ज्ञानत्री मीडिया कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कुमाऊं मंडल के डीआईजी नीलेश आनंद भड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया कॉलेज के प्रबंधक निदेशक संतोष मल्होत्रा ने बताया कि आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को बीकॉम टैक्सेशन, बीए फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज के बारे में अवगत कराया गया। क्या 30 तारीख को जुलाई की हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। इसमें मतलब बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि आगे जो कोर्सेज हमारे हैं, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, बीकॉम टैक्सेशन, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर, तो इनमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मतलब हमने अपने आप तो अपनी तारीफ हम कर नहीं सकते, बट और लोगों को हमने बुलाया है जो हम लोगों से परिचित है। वही अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय के मेन गेट पर पिछले 5 सालों से जमे कूड़े के निस्तांतरण के लिए सहमति बन गई है। वही आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा तिलोथ में कूड़ा निस्तांतरण केंद्र बनाया गया है। बता दें कि वहां काम भी शुरू हो गया था, पर पिछले 4 दिनों से ग्रामीण इसके विरोध में आ गए थे, जिसके कारण वहां पर धारा 144 लागू करना पड़ गया और विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कल भारी बरसात के कारण गंगोत्री विधानसभा के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण बहुत सी जगह जगह भूस्खलन हुआ है और ख़ासकर रिटसारी गांव, हमारा कुजन
अल जखोल और मस्ताड़ी इन चार पांच और स्यावा गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात से वहाँ की तबाही हुई है, सड़क टूट गई है, सड़क बंद हो गई, खेतों का नुकसान हो गया, गांव में कई जगह दरारें पड़ गई हैं, गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। वही अगली खबर काशीपुर से है, जहां उधम सिंह नगर में आज भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यहां की सड़कों पर चलना जान जोखिम डालने के बराबर है, क्योंकि क्षेत्र की सड़कों की स्थिति देखकर आपकी समझ में नहीं आएगा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। हर जगह तालाब ही तालाब दिखाई दे रहा। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर गांव को शहर से जोड़ा जा रहा है और गांव और शहर के बीच का फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है, वहीं सड़कों का सौहार्दीकरण किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारों की अनदेखी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ छल कर रहे हैं। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां देश के कई शहरों में अब गंगा मंदिर बने हुए नजर आएंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। तो काम हो रहा है, दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं वो बहुत ही, हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से, उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। तो क्या यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो दिन पहले बहादुराबाद थाना क्षेत्र से एक थार जीप चोरी की थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि गाड़ी को चोरी कर राजस्थान ले जाया गया है, जिसके बाद खोजबीन करते हुए पुलिस राजस्थान पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उसके खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हैं। मौके से जो मेन अभियुक्त था रतन सिंह नीना, उसको जो जयपुर का रहने वाला है उसको कैप्चर कर लिया गया, लेकिन उसका साथी भागने में सफल हो गया। सर, आरोपी का आपराधिक इतिहास? आरोपी के खिलाफ 51 मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 51 मुकदमे दर्ज हैं, वो राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा और अब उत्तराखंड भी है। तो 5 राज्यों में इसका गैंग ऑपरेटिव था और अपराधी द्वारा जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई उसमें बताया गया कि जो नए वाहन थे उसको ये भेजता था। वही अगली खबर पौड़ी से है, जहां चौथन और पीठसैर क्षेत्र को आपस में जोड़ता एकमात्र मोटर पुल भारी बारिश के बाद ढह गया है। इस मोटर पुल का 20 जुलाई को हुई बादल फटने की घटना के बाद से खतरा बना हुआ था। पुल के आसपास की सड़क पहले से ही टूट चुकी थी। वही थलीसैंड क्षेत्र में बीते हुई भारी बारिश के कारण अब ये मोटर पुल भी ढह चुका है। वही पुल के टूट जाने से चौथन पीठसैंड का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। हालांकि अब पुल को दोबारा से बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वही अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बाल विद्या मंदिर स्कूल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल क्लास टीचर पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए कि परिजनों का आरोप है कि दलित समाज के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। वही अगली खबर उधम सिंह नगर के खाटिमा से है, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के उपलक्ष में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिला प्रभारी बसंती आर्या रही।
वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं द्वारा मानव तस्करी को रोकने को अलग अलग तरीके से जनता को जागरूक किया गया, साथ ही जनता को मानव तस्करी से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया गया। वही अगली खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां रामलीला मैदान आज खस्ताहाल स्थिति में है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल रखा है। जहां बच्चों को खेलना था, वहां जानवर लूट रहे हैं। दो साल पहले नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर यहां पर घास भी उगाई थी, पर आज रखरखाव के अभाव में वो भी खराब हो गए हैं। इस मैदान की हालत पर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। मैदान में अविलंब जो हम नगर पालिका जो है उसको जैसे हमने फिनिशिंग पहले की थी वैसे करेंगे, क्योंकि वो यात्रा काल में बहुत बड़ी दिक्कत है अपने उत्तरकाशी में पार्किंग की। और हमारी भी जिम्मेदारी कि जो चार धाम से यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा दें। कहीं जगह थी नहीं और DM साहब का भी बहुत अनुरोध था, इसलिए हमने ये राम मैदान कुछ हिस्सा पार्किंग में दिया था। लेकिन अब जैसे पार्किंग बन रही थी उसके बाद तुरंत हम पहले तो पार्किंग बंद कर देंगे और उसको फिनिशिंग करके फिर से उसमें घास पूरा उगाएंगे और पूरे फील्ड को सुंदर और खेलने के बना देंगे पूरा। वही अगली खबर थराली से आ रही है, जहां सावन के चौथे सोमवार को चमोली शिवालय में शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। शिव भक्तों ने अपने आराध्य देव महादेव का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वही अगली खबर झांसी से है, जहां सिजारी खुर्द में रहने वाली तेजस्वी जो कि सिलाई का काम अपने घर पर ही करती है, इसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकली थी कि बाहर लगे हुए विद्युत पोल पर उसका हाथ लगने से बिजली करंट की चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद अचेत अवस्था में पड़ी हुई युवती के पिता के द्वारा तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। हमारी बच्ची घर से बाहर निकली, ब्लाउज सिलती है, तो एक लेडी जाए बोल के हमारे बड़ा सिल लो जो कपड़ा ले लो, तो कपड़ा ले भी गिराने गई और खम्मा चबूतरा पे गड़ा लगा है, तो खम्मा पे ऐसे हाथ रखा वो इतने में कैंट लग गो, खम्मा पे कट गया डूई डही बहुत सारी, तो मैं 20-25 डूई नहीं कैंट लग गो एकदम जाकर तो उन्हें छोड़ दो कैंट ने तो नीचे गड़बड़ी बेहोश हो गई बिल्कुल। वही अगली खबर हरदोई जनपद से है, जहां एक युवती को कागजों पर मृत घोषित करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कागजों में मृत हो चुका युवक 27 वर्षों से भूत बनकर हरदोई के अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काट रहा है। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक जिंदा युवक को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद युवक हर जगह खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी कोई भी सुन नहीं रहा। हमारे पिताजी अंधे थे, माताजी गूंगी थी, गांव के दबंग लोगों ने हमारे अंधे बाप का 13 बीघा खेत हुआ मकान ज़बरदस्ती से कब्जा कर लिया। 1996 में मेरी मृत्यु हो गई। हर अधिकारी के हम चक्कर काटते घूम रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। योगी जी आपसे अनुरोध है कि आप ही हमको जिंदा कर सकते हैं। मृत्यु होने का मतलब क्या है? परिवार रजिस्टर में मृत दिखा दिया गया, घोषित कर दिया गया। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पास के हाईवे ढाबे पर कुछ युवकों ने जमकर तांडव मचाया। ढाबे पर युवकों के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद ढाबे पर पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने बाद में आए युवकों पर हमला बोल दिया, साथ ही फायरिंग भी की गई। वही बवाल मचने वाले युवक CCTV कैमरे में कैद हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV कैमरे की वीडियो के आधार पर बवाल मचाने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है। नागद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पंडित ढाबा है, वहां करीबन 1 बजे दोपहर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना घटी है। तत्काल पुलिस मौके पर वहां पहुंची, वहां पे पूछताछ की गई और वहां पे जानकारी में पता चला कि दो गुटों के बीच यहां पर फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस को मौके से कुछ MT राउंड्स खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं।
वही अगली खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेज किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि लोकसभा 2014 के चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने का वादा जनता से किया था, लेकिन 3 साल की जगह 9 साल 2 महीने पूरे हो चुके हैं, परंतु अभी तक कार्रवाई तक प्रारंभ नहीं हुई है। वही आक्रोश में आए लोगों ने तीनों का पुतला फूंका। अगली खबर बारामंकी से है, जहां लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।